वेलकम टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स, मैं आरती शर्मा हाजिर हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। तो गाइस आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा चाउमीन बनाओ, हमें चाउमीन खानी है, तो मैंने कहा चलो भाई चाउमीन बनाते हैं और आपको भी रेसिपी शेयर करते हैं चाउमीन की कि मैं कैसे चाउमीन बनाती हूँ। तो गाइस आप बताना, एक बार ये ट्राई जरूर करना और ट्राई करके बताना कि चाउमीन कैसी बनी है। बाकी भाई मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है मेरे हाथ के चाउमीन, तो चलिए खाइए बनाते हैं चाउमीन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइए तो गाइस आजकल चाउमीन खाना तो है ना सबको ही पसंद है और बच्चों को तो बहुत बहुत पसंद है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ले लिया एक बाउल, बाउल में चढ़ा दिया पानी गर्म करने के लिए और मैं बाउल में डाल दूंगी थोड़ा नमक और थोड़ा सा तेल, जिससे कि जो हम नूडल्स इसके अंदर डालेंगे तो वो आपस में है ना चिपकेंगे नहीं। तो इधर मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया है इसके अंदर और मैं अभी इसको मिक्स कर दूंगी। तो इधर मैं है ना एक नूडल्स का बहुत बड़ा पैकेट ले आई हूँ, जिसके मैं पूरा पैकेट बनाने वाली नहीं हूँ, इसमें से मैं आधा निकालूंगी और आधा इसी तरीके से पैक करके रख दूंगी ताकि मैं दोबारा से बच्चों के लिए बना दूँ। तो गाइस ये जो वाले जो नूडल्स हैं ना मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं आप, तो यहाँ पे है ना फ्रेंड्स इनको निकालना ना बहुत मुश्किल हो रहा था बार बार में। तो मैंने क्या किया, नाइफ लेके और इनको है ना बीच में से इस तरीके से कट कर लिया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गाइस जब तक कि पानी गर्म होता है तो मैं साथ में अपनी वेजिटेबल्स भी धो के साफ करके निकाल लेती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स निकाल लिए, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और एक शिमला मिर्च और दो मिर्चें लिए हैं। तो गाइस यहाँ पे ना पानी भी अच्छे से गर्म हो गया तो मैं इसमें फटाफट नूडल्स डाल देती हूँ बॉयल होने के लिए, उबलने के लिए। तो गाइस जब तक कि नूडल्स उबलेंगे तो गाइस मैं कर लूँगी अपनी सब्जी को कट। तो इस तरह से मैंने नूडल्स को मिक्स कर दिया और मैं अब सब्जी कट करने जा रही। तो गाइस आप देख रहे हैं कि मैं है ना पत्ता गोभी को ऐसे लंबा लंबा काटती हूँ। तो गाइस इस तरीके से ना लंबा लंबा ही काटना पत्ता गोभी को जैसे कि मैं काटती हूँ। तो इधर मैं ना सारी सब्जियाँ इसी तरीके से काटूँगी, जैसे कि प्याज हो गई, प्याज भी मैंने ऐसे लंबी लंबी काट ली है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इधर है ना थोड़ा सा ब्लर सा हो रखा था क्योंकि कैमरे में थोड़ी सी लाइट की दिक्कत से ऐसे थोड़ी सी वीडियो ऐसे ब्लर सी हो रखी थी, ऐसे निशान से आए हुए थे। तो गाइस इधर मैंने है ना गाजर को देखिए, या तो आप इस तरीके से काट लिए चक्कू से निशान बना के छोटे छोटे गाजर पे और इस तरीके से लंबा लंबा काट लीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए इसको बीच में से कट कीजिए और फिर उसके दो टुकड़े करके तब लंबा लंबा काट लीजिए। तो गाइस मैंने इधर इसको इस तरीके से भी लंबा काट सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर रख के भी इसको लंबा काट सकते। तो जब तक कि मैं थोड़ी सी सब्जियाँ ही काट पाई थी कि नूडल्स मेरे एकदम से तैयार हो गए, तो मैं इनका पानी एकदम से फटाफट निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं इसमें फटाफट से ठंडा पानी डाल दूंगी। नहीं तो गाइस ये जो नूडल्स है ना ठंडा पानी डालना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने इन सब नूडल्स को इसी बाउल का पानी फेंक के इसके अंदर निकाल दिया। तो देखिए गाइस यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से और तैयार हो गए। तो गाइस इधर जो मैंने मिर्चें ली हैं ना, तो बच्चे हैं ना ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं इनको है ना दो ही मिर्चें ली हैं और इस तरीके से लंबा काट दिया है मैंने मिर्चों को ताकि अगर बच्चों के सामने आए तो वो साइड में कर दे। तो गाइस इधर मैंने शिमला मिर्च भी काट दी है। तो देखिए मैंने सारी सब्जियां अपनी कट कर ली हैं, जैसे प्याज, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और आप चाहें तो येलो शिमला मिर्च आती है और रेड शिमला मिर्च आती है वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो गाइस इधर मैंने है ना कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें डाल दी है मैंने प्याज और मैं है ना इधर है ना प्याज को अच्छे से नहीं पकाऊंगी, अध कच्चा सा प्याज पकाऊंगी, ना तो वो ज़्यादा पका हुआ हो और ना ज़्यादा कच्चा हो। तो गाइस इधर मैंने गोभी डाल दी है और इधर मैंने डाल दिए हैं गाजर। तो है ना मैं चाउमीन को ना दो बार करके बनाऊंगी, एक बार में नहीं बना रही क्योंकि दो बार थोड़ा थोड़ा करके बनाओ ना तो उसमें अच्छे से मसाले मिक्स हो जाते हैं। तो गाइस इधर मैंने ना सारी सब्जियां इसके अंदर डाल दी हैं, शिमला मिर्च भी, गाजर भी, और मैं इनको बिल्कुल हल्का सा पकाऊंगी, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करूँगी इनको। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं तो मैं इनको चला भी रही हूँ,
तो गाइज अब इसके बाद मैं इसके अंदर है ना थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और अभी मैं इसको पकाऊंगी। तो गाइज आप मुझे बताना कमेंट करके कि चाउमीन खाना किस किस को पसंद है। तो भाई मेरे घर में तो बच्चों को बहुत ही पसंद है और खाते भी हैं बड़े चाव से। तो गाइज इधर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं थोड़े से, और थोड़ा सा मेरे ओरिगैनो था तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है गाइज। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ नमक। तो गाइज मैंने है ना पहले भी नूडल्स में नमक डाला, तो यहाँ मैंने सिर्फ आधी चम्मच ही नमक डाला है। तो इसके बाद गाइज जो आपने कटोरी में डालते हुए मुझे देखा होगा वो था अजमोनमोटो। तो गाइज उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्च, और उसके बाद थोड़ी सी अपना जो काली मिर्च होती है ब्लैक पेपर, तो गाइज वो भी मैंने डाल दिया, और साथ साथ के साथ मैं इसको है ना मिक्स करते जा रही हूँ। तो इधर है ना मिर्च, तो गाइज इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें सिरका जो कि एक ढक्कन डाला था। तो गाइज उसके बाद मैंने इसमें नूडल्स डाल दिए हैं देखिए, और मैंने अभी हाफ ही नूडल्स डाले हैं, सारे नूडल्स नहीं डाले। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं नूडल्स को है ना दो बार में करके बनाऊंगी, क्योंकि थोड़े नूडल्स होते हैं ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और उसमें वेजेस भी अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर हम एक बार में करके डालेंगे तो है ना वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो गाइज इधर मैंने चाउमीन में सोया सॉस डाल दिए, मैंने ये एक ढक्कन ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला सोया सॉस का, क्योंकि ज़्यादा डालने से है ना उसका टेस्ट एकदम से अजीब सा हो जाता है और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इधर मैंने है ना देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से है ना इसको मिक्स कर दिया है, और थोड़ी सी देर में इसी तरीके से चला के इसको थोड़ा सा कम से कम एक से या दो मिनट ही ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। और ये अभी इस टाइम है ना रेडी हो गई है बनके, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो गाइज आप कमेंट करके बताना कि आपको किस को चाउमीन खाना पसंद है, और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज उसके बाद मैंने कर दी है प्लेटिंग, तो देखिए कितनी अच्छी चाउमीन बनी है और कितना अच्छा कलर आया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इधर भाई हमारी तो चाउमीन हो गई एकदम बनके रेडी, तो आप भी ट्राई करना और मुझको बताना कि आपकी चाउमीन कैसी बनी है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।